हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉनस्टॉप मीटिंग्स कर रहे हैं। मोदी ने आज सबसे इंपॉर्टेंट और डिटेल रिव्यू मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने आज एक एक डिस्ट्रिक्ट की जानकारी दी। मोदी को आज एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें एक एक राज्य, एक एक जिला, एक एक हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से बताया गया। आईसीयू बेड्स की क्या सिचुएशन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन किस स्टेट में कम पड़ रही है, कहां कहां ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, विदेशों से आई सप्लाई कहां कहां पहुंची और कहां फंसी हुई है, इस सब की जानकारी आज मोदी को दी गई। दिल्ली के एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल में कल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और कुछ देर पहले ही दोनों प्लांट्स पूरी तरह ऑपरेशनल भी हो गए हैं। इजराइल से कल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा और आज मरीजों को उसका फायदा मिल रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा खुश हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के काम से। आज रिव्यू मीटिंग में क्या क्या बात उठी और थर्ड वेव से लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या तैयारी कर रही है, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। देखिए, जल थल नभ, भारत के आर्म फोर्सेस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मोदी ने ट्वीट करके देश को बता दिया है युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सिर्फ 48 घंटे में इटली से आया ऑक्सीजन प्लांट, ग्रेटर नोएडा के आईटीबीपी रेफरल हॉस्पिटल में फिट हो गया, जो एक बार में 100 से ज्यादा बेड्स को ऑक्सीजन देगा। तस्वीर आपके सामने है, इटालियन एम्बेसडर स्क्रीन पर है और पीछे ऑक्सीजन प्लांट है। जर्मनी के एक और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट A400M में भारत के लिए लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लोड की जा चुकी है। जर्मनी ने पार्ट वन की डिलीवरी के तहत एक विशाल ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली भेज दिया है, जिसे जर्मन आर्म फोर्सेस के 12 पैरामेडिक्स ऑपरेट करेंगे। इस प्लांट से हर रोज 4,00,000 लीटर ऑक्सीजन जनरेट किए जाने की संभावना है। अमेरिका में ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक 24/7 एक्टिव है। अमेरिका की बड़ी कंपनियां और बड़े व्यापारिक संगठन अर्जेंट मदद दे रहे हैं। गुरुवार को 1000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई हुई। मई खत्म होते होते 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत आ जाएंगे। हजारों की संख्या में पहली डिलीवरी हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री इसराइल से एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाने जा रही है, जो उस डायग्नोस्टिक सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करेगी और उसके लिए ट्रेन करेगी, जिससे चुटकियों भर में COVID-19 का स्टेटस पकड़ा जा सकता है। इन सबके बीच भारतीय नौसेना वॉर फुटिंग पर ऑक्सीजन कंटेनर्स और दूसरे मेडिकल सप्लाई को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए काम कर रही है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भारतीय नौसेना ने अपने तीनों नेवल कमांड्स यानी मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि को एक्टिव कर रखा है। नौसेना के 9 युद्धपोत खाड़ी देशों और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और दूसरी सप्लाई लेकर आ रहे हैं। नौसेना का INS तलवार बैरीन से 27 टन लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के साथ कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पहुंच चुका है। INS कोलकाता कुवैत से 27 टन ऑक्सीजन टैंक के साथ 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 कंसंट्रेटर के साथ समुद्र के रास्ते भारत आ रहा है। 4 अन्य युद्धपोत कतर और कुवैत के रास्ते में है, जो वहां से 27 टन ऑक्सीजन टैंक्स और 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर भारत के लिए रवाना होंगे। INS सेरावत भी ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर सिंगापुर से निकल चुका है। मोदी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और उनके विरोधी नॉनस्टॉप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल ने गौर से देख लीजिए इस हेडलाइन को, मोदी को और इंडिया को टारगेट करने के लिए एक खतरनाक ग्लोबल एलीट एजेंडा चलाया जा रहा है। इंडिया में हर घर में ये फैलाया जा रहा है कि मोदी पर नेशनल लॉकडाउन लगाने का भारी दबाव है। कोई ये माहौल बना रहा है कि अगर पीएमओ को देश चलाना है तो मोदी को नई टीम की जरूरत है। इन सब के बीच मोदी से नफरत करने वाले मोबाइल मोबाइल पर मोदी इस्तीफा दो का एजेंडा चला रहे हैं।
बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने वाली टीएमसी की एक सांसद न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना ओपिनियन देती हैं। मोदी को हराकर कैसा लगा, इसका लंबा चौड़ा बखान करती हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। पहले राहुल हिंदी में ट्वीट करके मोदी सरकार फेल है वाला नैरेटिव सेट करते हैं। राहुल की देखा देखी कांग्रेस पार्टी भी हमलावर होती है, मोदी पर डायरेक्ट निशाना लगाती है। और इसके बाद ट्विटर ट्रेंड्स में हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ और हैशटैग स्पाइनलेस मोदी को सोची समझी रणनीति के तहत ट्रेंड कराया जाता है। मगर इन सब के बीच कोई ये नहीं बता रहा कि मुश्किल वक्त में मोदी ना सिर्फ सख्त हैं, बल्कि पूरी कड़ाई के साथ फैसले भी ले रहे हैं और उन फैसलों को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा रहा है। ये काम डे बाय डे हो रहा है, नॉनस्टॉप हो रहा है। गुरुवार को मोदी ने देश की करंट सिचुएशन की डिटेल्ड एनालिसिस की। देश के किस राज्य के किस जिले में कोरोना का विस्फोट सबसे ज्यादा हुआ उसकी जानकारी ली। मोदी को बताया गया कि देश के 12 राज्यों में 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मोदी ने ऑर्डर दिया कि हर राज्य को पूरी मदद दी जाए, सबको गाइड किया जाए। मोदी की नॉलेज में है कि किस राज्य के किस जिले में पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे ज्यादा है। मोदी को पता है कि कहां बेड की ऑक्यूपेंसी 60% से ज्यादा है, जो या तो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर है या फिर आईसीयू बेड्स पर है। मोदी ने मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को भी रिव्यू किया। गुरुवार को मोदी ने बहुत सख्त मैसेज दिया और वो ये कि किसी भी राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए और साथ ही साथ लॉकडाउन हो या कर्फ्यू, लोगों को वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तक 12 राज्यों में 18 से 44 उम्र के 9,04,263 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 6 मई सुबह 7 बजे तक वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या 16,25,13,339 पर पहुंच गई है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कुल वैक्सीन के 67% डोज दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई है और इसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरे लहर का डर उद्धव ठाकरे सहित देश के हर राज्य के सीएम को है और मोदी का ऑर्डर क्रिस्टल क्लियर है, वैक्सीनेशन में रफ्तार लानी ही होगी। यहाँ 45 से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है और 18 से 44 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वॉक इन आ सकते हैं, कोविन पर रजिस्टर करके भी आ सकते हैं, साथ ही वॉक इन भी वो आ सकते हैं और यहाँ पर टोकन लेकर इंतजार करने के बाद उन्हें वैक्सीन लग रहा है। वहीं जो 18 से 44 साल के लोग हैं उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्टर करना पड़ रहा है, उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर टोकन मिल रहा है और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लग रही है। तो जब भी हम एंटर हुए तभी यंगस्टर्स का जो 18 प्लस का था अलग लाइन था, तो फर्स्ट डोज, तो वी वर फर्स्ट आस्क्ड टू वेट एंड देन हमें टोकन दिया गया टू वेट एंड देन वी आर जस्ट वेटिंग सिंस देन। ठीक है, इसके बाद आप लोग अंदर जाके वेट करेंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पे फिलहाल, सुचारू ढंग से यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। मोदी के सामने एक बड़ी समस्या देश के वो 12 राज्य हैं जहां कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1,00,000 से ज्यादा है। टॉप 5 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यूपी और राजस्थान के नाम हैं। मोदी हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के रेगुलर टच में है। इस वक्त कोरोना के नंबर्स घटाने के लिए मोदी की टीम 12 मिलकर काम कर रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी से लेकर मेडिकल सप्लाई तक सबकी सप्लाई चेन स्मूथ की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मोदी को लिखी ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई वाले हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से लाए गए टैंकर्स और विदेशों से मंगाए गए ऑक्सीजन कंटेनर्स ने इस समस्या का समाधान किया है। कैमरे पर केजरीवाल के बयान से ये बात साफ है। कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से।
मगर हालात पहले की तरह बेकाबू ना हो, हॉस्पिटल से एक बार फिर SOS कॉल्स ना आने लगे, ऑक्सीजन की कमी ना होने लगे, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400 300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे, हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली में नहीं लड़ी जा रही, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में भी एक्टिव केस 1 लाख के ऊपर हैं। मोदी इन सब राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के पेटेंट में छूट को लेकर भारत की पहल पर अमेरिका में भी WTO में अपना समर्थन दे दिया है। बाइडेन प्रशासन ने WHO में भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्तावों का समर्थन करने का ऐलान किया है, ताकि इसकी आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी रूप से एंटी कोविड वैक्सीन पेटेंट को माफ किया जा सके। असाधारण हालात में असाधारण फैसले लिए गए हैं और भारत ने इसमें अहम रोल अदा किया है। मगर सियासत ऐसी कि मोदी को घेरने के लिए बिना फैक्ट चेक किए ट्विटर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बाहर से जो सामान आ रहा है वो जा कहां आ रहा है, तो इसका जवाब ये है कि 31 राज्यों के 38 इंस्टीट्यूशन को अभी तक 1764 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 1760 ऑक्सीजन सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, 450 वेंटिलेटर्स और 1,35,000 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की वायल्स अभी तक अलग अलग लोकेशन पर डिलीवर की जा चुकी हैं। मोदी विरोधियों ने एक सवाल एयरपोर्ट्स पर कस्टम की वजह से हो रही देरी को लेकर भी उठाया, इस पर भी मोदी को घेरा। मगर सच ये है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वैक्सीन, ऑक्सीजन और जरूरी सप्लाई की तेज और सुरक्षित डिलीवरी करवा रही है। अलग अलग एयरपोर्ट्स के कार्गो टर्मिनल सप्लाई को संभाल कर रखने, उन्हें प्रोसेस करने और ट्रांसपोर्टेशन में अहम रोल अदा कर रहे हैं। सिर्फ 3 से 20 मिनट के भीतर सप्लाई की क्लियरेंस दी जा रही है। 2,81,000 किलोग्राम के कंसाइनमेंट 7 डोमेस्टिक एयरलाइंस की 400 से ज्यादा उड़ानों की मदद से पहले ही 40 एयरपोर्ट्स पर पहुंचाए जा चुके हैं और सारा प्रोसेस पूरे कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, जिसे मोदी लीड कर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के अलग अलग राज्य के मुखिया इस मिशन में मोदी का साथ दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर तय है और चौथी लहर आने का भी डर सता रहा है। कोरोना के खिलाफ कब खत्म होगी ये जंग, इस वक्त सभी यही जानना चाहते हैं कि कब तक ऐसे ही जीना पड़ेगा, कब तक कोरोना से बचना पड़ेगा। आज हमने इन तमाम सवालों के जवाब बहुत बड़े एक्सपर्ट से लिए हैं। WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी भारत को लेकर जानकारी मिली है। सभी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मई का महीना सबसे अहम है। अगर अगले 1 महीने तक हम सब ने मास्क लगाया, दूरी बनाए रखी, तो मई के बाद जून की शुरुआत में केस बहुत कम हो सकते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी और तीसरी लहर को लेकर जो भी सवाल आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, उसके जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल, कोरोना कब खत्म होगा? 1.25 साल पूरा हो चुका है। इस वक्त वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज पर है, लेकिन आगे की स्टेज और खतरनाक हो सकती है। इसलिए हम अगले 10 मिनट में कोरोना पर 4 बड़े सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में हमने एक्सपर्ट से वो सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आप फौरन जानना चाहते हैं, जैसे क्या अभी हम पीक पर हैं या सेकेंड वेव की पीक आने वाली है, तीसरी वेव कंफर्म है या तीसरे के बाद और वेव भी आ सकती हैं? वैक्सीन बचाएगी लेकिन नए स्ट्रेन आएंगे, वायरस म्यूटेशन जारी रहेगा, उससे कौन बचेंगे? टेस्टिंग और डेथ फिगर्स पर सही आंकड़े चाहिए, अगर नहीं मिले तो वायरस के स्टडी पर क्या असर पड़ेगा और आखिर में कि कोरोना कब खत्म हो जाएगा?
लेकिन आगे बढ़ने से पहले करंट हालात पर नजर डालना बहुत जरूरी है। दूसरी वेव में कोरोना ने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देश में अब कोरोना के रोज 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, रोज करीब 4,000 लोगों की मौत हो रही है। इसलिए इस वक्त देश को बहुत सही पिक्चर देखने की जरूरत है। कोरोना पर कोई अफवाह, कोई फेक न्यूज इस वक्त बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहला सवाल, क्या भारत में दूसरी लहर की पीक आ चुकी है या आने वाली है? पीक तो अभी हफ्ते भर में आएगी, और आज देखें 4,12,000 हुए हैं, जो कि अब से हाईएस्ट है। तो पीक कोई हफ्ते भर में आएगी और शायद इस महीने के एंड या अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में ये नीचे आ जाए। और उसके बाद ऑलरेडी सीएसआईआर ने बता दिया कि एक थर्ड पीक भी आनी है, और वो हम हिस्ट्री से भी जानते हैं। अगर हम 100 साल पहले स्पैनिश फ्लू को भी देखें तो थर्ड पीक भी आई, जो कि सेकंड पीक से छोटी थी, और एक फोर्थ पीक भी आई। इसको कम करने का, ताकि ये पीक ना कहलाए, ये सिर्फ एक रिपल हो, हमें वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान देना है। वायरस संक्रमण के पीक और फॉल आने में करीब 12 हफ्ते का वक्त लगता है, यानी ये वायरस 3 महीने तक फैलता रहता है, जान लेता रहता है। मई के अंत में दूसरी वेव की पीक आ सकती है, और जून में भी बहुत ज्यादा केस आते रहेंगे, इसकी पूरी आशंका है। इसलिए मई और जून के महीने इस वक्त देश के लिए सबसे खतरनाक महीने कहे जाएंगे। IIT ने जो कर्व किया है, जो IIT का जो अभी कर्व आया है, उसमें हमारे यहाँ अच्छा कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसमें लोगों ने एनालाइज किया है, बट IIT के कर्व से हम पीक में पहुँच चुके हैं। ये प्लेटो रहेगा थोड़े दिन, उसके बाद डिप करेगा, ये IIT का प्लेटो कहता है। लेकिन मैं जो कहता हूँ, इसमें महीने दो महीने लगेंगे इसको डिप करने में। भारत के अलावा दो देश जहां कोरोना से सबसे बड़ी तबाही हुई है, वो है अमेरिका और ब्राजील। अमेरिका में रोज 40,000 से 50,000 नए केस आ रहे हैं, रोज 700 से 800 लोगों की मौत हो रही है। ब्राजील में रोज 70,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, 2,500 से 3,000 लोगों की मौत रोज हो रही है। इसलिए इन दोनों देशों की स्टडी बहुत जरूरी है। वहां पीक अप और पीक डाउन वाला वक्त भारत की मौजूदा वेव को समझने में मदद कर सकता है। दुनिया में अगर आप दूसरे देशों का आंकड़ा ले तो कुछ उसमें दूसरे वेव आई ही नहीं, जैसे जैसे साउथ कोरिया हुआ, ताइवान हुआ, सिंगापुर हुआ, फिर इवन चाइना, जापान, ऐसे लोग थे, उन लोगों के पहले वेव में उन्होंने अच्छी तरह से लॉकडाउन करके डायग्नोस्टिक्स काफ़ी बढ़ाया, ट्रैकिंग ट्रेसिंग किया, उनको सबको क्वारंटाइन किया करके आप वैक्सीन भी लगा रहे हैं, बट एसेंशियली उनके यहाँ नहीं हुआ। जिनके यहाँ ये हुआ, जो मेन इश्यूज हुए, ब्राज़ील में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, और यूरोप में, UK में हुआ। वहाँ पर पहला वेव चाइना से आया था, और अमेरिका में पहला वेव चाइना से आया था, और UK से आया था, यूरोप से आया था, और वो पहला वेव उन्होंने लॉकडाउन करके उसको नीचे उतारा। लेकिन वहाँ पर कई स्टेट्स से जो मान नहीं रहे थे, उन्होंने सब कुछ खोल दिया, मास्किंग नहीं की, ये सब नहीं की, तो वहाँ पर सेकेंड वेव आया। भारत में पहली वेव के बाद दूसरी वेव में 6 से 7 महीने का वक्त लगा। भारत में पहली वेव सितंबर 2020 में आई, इस वक्त दूसरी वेव फरवरी 2021 के बाद से चल रही है। अब मई में इसके पीक आने की संभावना है। देखा जाए तो भारत में तीसरी वेव मई के 6 से 8 महीने के बाद आ सकती है, क्योंकि वायरस जब फैलता है लोगों को बीमार करता है, और साथ में इम्यूनिटी लेवल से लेकर एंटीबॉडीज का असर 7 से 8 महीने तक रहता है। तब तक लोग वायरस के संपर्क में आ चुके होते हैं, और इससे 8 महीने तक 80% तक बचे रहते हैं। इसलिए अगर वायरस नए रूप में आया और तीसरी वेव लाया, तो ये तीसरी वेव इसी साल अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है, और इसकी पीक जनवरी 2022 तक आ सकती है। वेव वन में जब लॉकडाउन किया गया, तो जो भी नंबर ऑफ केसेस थे, उसकी वजह से हेल्थ केयर कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुआ। एक जुमला जो हम लोग यूज करते रहे वेव वन के दौरान, फ्लैटन द कर्व। तो फ्लैटन द कर्व जो स्ट्रेटजी थी, उसकी वजह से देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी,
सेकेंड वेव के लिए देश पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था। हमने वेव वन के बाद वेव टू एक्सपेक्ट नहीं किया और ना हमने प्रिपेयर किया। वेव टू की स्पीड बहुत स्टीप थी, अगर हम कर्व देखें तो वो बहुत तेजी से ऊपर गया है और अभी तक भी हमें नहीं पता कि पीक कब आने वाली है। नतीजा ये हुआ कि वेव टू में सारे देश की हेल्थ फैसिलिटीज ओवर सैचुरेट हो गई। अगला बड़ा सवाल, तीसरी वेव की भविष्यवाणी के बाद क्या चौथी वेव की भी आशंका है? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत में हार्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगले 6 से 9 महीनों में अस्पताल पहुंचने वाले और मरने वालों की तादाद लगातार कम होगी। हार्ड इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन मिल चुकी हो या लोग संक्रमण के बाद ठीक हो गए हो और उनमें प्रतिरोधक क्षमता बन गई हो, इसलिए तीसरी वेव को लेकर डर बना हुआ है। कोरोना की पहली वेव ने बुजुर्गों को निशाना बनाया है, दूसरी वेव में नौजवान बहुत तेजी से संक्रमण का शिकार बने हैं, तीसरी वेव में आशंका है कि इससे बच्चों को खतरा हो सकता है। वेव थ्री जैसा कि एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वेव वन में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्ट हुई थी, वेव टू में हम क्लियरली देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन या युवा पीढ़ी ज्यादा अफेक्ट हो रही है। यहां तक कि युवा पीढ़ी में मॉर्टेलिटी या डेथ रेट भी हमने वेव वन से ज्यादा पाई है। और जैसा साइंटिफिक एडवाइजर्स ने एडवाइस किया है, देखा है या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेव थ्री शायद बच्चों को या उससे भी यंग और युवा पीढ़ी को अफेक्ट कर सकती है, तो हमें पहले से प्रिपरेशन करके चलना है। कोरोना को भारत में रोकना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक जगह केस कम होते हैं तो दूसरे राज्य में केस बढ़ने लगते हैं। महाराष्ट्र में केस कम हो रहे हैं, दिल्ली के केस पीक पर नजर आ रहे हैं और दक्षिण में कर्नाटक नया एपिसेंटर बनकर उभर रहा है। इसलिए एक वेव खत्म होती नहीं कि देश के दूसरे हिस्से इसकी चपेट में आने लगते हैं। इस वक्त कोरोना को लेकर भारत के आंकड़े वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं। नए केस में रोज 2.5% का इजाफा हो रहा है। वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो फर्स्ट हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे पास एडमिट हुए। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद उनकी डिजीज सीवियर हुई, कुछ मॉडरेट लेवल तक गई, कुछ सीवियर लेवल तक गई, उसके बावजूद रिकवरी हमने देखी है पेशेंट्स में। सो वैक्सीनेशन के बाद डिजीज नहीं होगी ये नहीं कह सकते, बट रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मॉर्टेलिटी के चांसेस कम होते चले जाएंगे। अगला सवाल कि नया स्ट्रेन और वायरस म्यूटेशन जारी रहेगा, उससे कैसे बचेंगे, वैक्सीन उन पर कितनी असरदार होगी, इसका जवाब दें उससे पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन पर एक बड़ी जानकारी देख लीजिए। स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि अब उसकी सिंगल डोज तैयार है और ये डोज कोरोना पर 80% तक कामयाब है। भारत में भी स्पुतनिक वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी भारत में सिंगल शॉट वाली डोज नहीं बल्कि डबल डोज वैक्सीन आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद ये भारत आने वाली तीसरी वैक्सीन है। A country like India has about a billion people. भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और वहाँ वैक्सीनेशन इतने जल्दी नहीं होगा, ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि भारत ने वैक्सीन प्रोग्राम जैसे शुरू किया है उसमें प्राइवेट सेक्टर को लिया, वो सही था, बस अभी वहाँ वैक्सीन सप्लाई की दिक्कत बनी हुई है। The limitation of course right now is the supply. महामारी से हम निकल पाएंगे अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर तीसरी चौथी पांचवी वेव इस संक्रमण की आती रहेगी भारत में। आप बीमारी नहीं पड़ेंगे तो उस पर कोई फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं होगा, कभी आपको बेड के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। अब ये एक्सपेक्ट करना कि वेव थ्री में कौन से म्यूटेशन होंगे, उनके क्या हेल्थ इफेक्ट होंगे, कहना मुश्किल है। बट ये समझदारी है कि जितना ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर लेंगे उतना हम अपनी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे, वो चाहे पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो एल्डरली हैं। वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट जो भी बच्चे वेव वन और वेव टू में अफेक्ट हुए हैं चाहे वो माइल्ड डिजीज से, बट दे विल डेफिनेटली माउंट सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी, उनके शरीर में कोई ना कोई इम्यूनिटी डेवलप होगी एंड होपफुली आशा कर सकते हैं कि वेव थ्री में वो इम्यूनिटी उनको डेडली डिजीज से या डेथ रेट से बचाती रहेगी। अभी भारत में यूके वेरिएंट ने तबाही मचाई है, ज्यादातर जिंदगी इसी वेरिएंट से निकले डबल म्यूटेंट ने ली है। अब तीसरा वेरिएंट बंगाल स्ट्रेन भी तेजी से फैल रहा है, डर है कि तीसरी वेव में कौन सा वेरिएंट बड़ा खतरा बनने जा रहा है। जो हमें समझना है कि ये एक टर्म हम जनरल टर्म यूज कर सकते हैं कि बहरूपिया या रूप बदलने वाला, जो वेव वन में स्ट्रेन था वेव टू में स्ट्रेन डिफरेंट हो गया। अब हमारे पास यूके स्ट्रेन है, अब हमारे पास जो डबल म्यूटेंट है, यहां तक कि ईस्टर्न स्टेट से ट्रिपल म्यूटेंट भी रिपोर्ट किया जा रहा है।
एक आंध्रा में वाइजैग में इन्होंने और नया म्यूटेंट जो कि और ज्यादा विरुलेंट है उसको भी रिपोर्ट किया. सो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है. मैं लास्ट वन ईयर से जो भी हम कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं, हमने वैक्सीनेशन के बाद भी पेशेंट्स देखे हैं. अभी तक जो वैक्सीनेशन हैं, वो म्यूटेंट्स के बावजूद भी उन्होंने सब देशों में काम किया. करीब 12 देश हैं जिन्होंने वैक्सीन जहां पर 30% 50% के करीब पहुंच गई, वहां पर डिजीज जो है बिल्कुल नीचे उतर गई. तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ खोल भी दिया है. तो वो म्यूटेंट के बावजूद वो वैक्सीन ने काम किया है. हाँ, थोड़ा सा काम कम, थोड़ा सा वो असर कम होता है, लेकिन मास्क वगैरह पहने रहने से अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो हल्का इन्फेक्शन होता है. लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड ने म्यूटेंट के अगेंस्ट तैयारी कर ली है. फाइजर और मॉडर्ना ने म्यूटेंट्स के वैक्सीन बना लिए हैं. इस वक्त इंडिया में म्यूटेंट स्ट्रेन चल रही है. इस वक्त जो भी चल होंगे उसमें पता चलेगा म्यूटेंट स्ट्रेन के आगे काम करती है कि नहीं करती है. तो सो इसलिए जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं वो म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट दुनिया भर में तो काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काम करना चाहिए. अगला सवाल, वायरस की स्टडी के लिए सही आंकड़े कितने जरूरी हैं? बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिकों को सही अनुमान लगाने के लिए सही आंकड़े मिले, यानी कितने लोग संक्रमित हुए, किस किस जगह ज्यादा संक्रमण हुआ, यहां कितनी मौत हुई. अगर ये रिपोर्टिंग सही नहीं होगी तो वायरस की वेव से लेकर इसके संक्रमण का रूट समझना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह कोरोना को खत्म करने की पूरी कोशिश पर पानी फिर सकता है. In the comments that we have for India are the comments that we have. भारत के लिए हम जो कहना चाहेंगे और दूसरे देशों के लिए भी, बढ़ते हुए केस और मौत बहुत ही फिक्र करने वाली बात है. ऐसे देश जहां लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है जो महामारी को रोकने के लिए चाहिए. On severe disease and death and on transmission. इस वक्त कोरोना को पूरी तरह कंटेन के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार टेस्टिंग हो, ट्रैकिंग हो और केस आइसोलेट किए जाए, पॉजिटिव मामले आगे ना बढ़े. इसके लिए माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे और सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करना होगा. और बंगाल हिंसा से जुड़ी इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं, दिखाएंगे आपको पूरी डिटेल ब्रेक के बाद. हाय, आई एम सुरभि शर्मा. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.